आज प्रकाश के परावर्तन में आज की टॉपिक है अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध। पढ़ने से पहले हमें जाने कि यू क्या है, भी क्या है और एफ क्या है। यू होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, यहाँ वस्तु ए बी है और दर्पण से इसकी दूरी को हम कहते हैं यू। भी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जिसको भी करते हैं, और यह क्या दर्पण से फोकस की दूरी, फोकस दूरी। तो ये संबंध पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कोई भी दूरी हम दर्पण के ध्रुव से लेते हैं, जैसे हमको वस्तु की दूरी लेना है, चाहे प्रतिबिंब की दूरी लेना है, चाहे फोकस की दूरी लेना है, तो वह दूरी हम कहां से नापते हैं, ध्रुव से। सभी दूरियों को ध्रुव से, जैसे वस्तु लेना है इसकी दूरी नापना है तो हम यहाँ ध्रुव से इधर को आएंगे, ऐसे प्रतिबिंब की दूरी नापना है तो ध्रुव से हम प्रतिबिंब को आएंगे, फोकस दूरी नापना है तो ध्रुव से फोकस पर आएंगे। तो पहला चिन्ह प्रपाटी यह है कि सभी दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं। दूसरी बात यह है कि आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होगी। देखिए यहाँ वस्तु ए बी है, इससे एक किरण आपतित हो रही है मुख्य अक्ष के समांतर एम, यह आपतित किरण है। आपतित किरण इधर जा रही है, जबकि अभी हमने बताया कि सभी दूरी हम ध्रुव से नापते हैं, तो ध्रुव से नापेंगे वस्तु की दूरी को हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी तो धनात्मक होती है, लेकिन आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, अगला है कि मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी, जैसे वस्तु की लंबाई को नापना है तो यह धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। यह हमारा है चिन्ह परिपाटी। अब आइए हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में ध्यान दें कि यह कोण और यह कोण 90 अंश है, यानी बराबर, यानी कोण ए बी सी बराबर है कोण ए डैश बी डैश सी। फिर यह देखेंगे यह कोण और यह कोण, इस कोण का नाम क्या रखेंगे, ए सी बी, कोण ए सी बी और कोण ए डैश बी डैश सी भी बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण, ये दूसरा कोण भी बराबर हो गया और दूसरा कोण, इसलिए तीसरा कोण भी अपने आप बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोण का योग 180 अंश होता है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होते हैं वो त्रिभुज समरूप होता है, और समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ध्यान देखिए, संगत भुजा ए बी, ए बी की संगत भुजा ए डैश बी है, ए डैश बी डैश है क्योंकि इसको अगर इस त्रिभुज को सीधा करके इस पर रखा जाए ए बी पर ए डैश बी डैश भुजा आएगी, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर होगा बी सी बटा बी डैश सी। ये समीकरण एक है। इसी प्रकार से त्रिभुज एम एंड एफ ये भी समरूप होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश या त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों समरूप होंगे तो इनके भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी एम एफ एम एन बटा ए डैश बी डैश बराबर होगा एम एफ बटा बी डैश एफ। परंतु ध्यान दें एम एन जो है ए बी के बराबर है क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर रेखा है किरण, ए बी के बराबर है, इसलिए एम एन के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए बी, एम एन बराबर ए बी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा समीकरण ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एम एफ बटा बी डैश एफ। अब ध्यान दीजिए दर्पण का द्वारक, इसको द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक छोटा होगा, ये जो लंब आ रहा है देख रहे हैं कि पी के
भी बहुत करीब है। दर्पण का द्वारा जितना ही छोटा होगा यह उतना ही पी के करीब होगा, इसलिए हम यंगयंग के जगह पर पीएफ ले सकते हैं, यंगयंग के जगह पर पीएफ ले सकते हैं। तब हमारा यह समीकरण बन जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पीएफ, यंगयंग के जगह पर हमने लिख दिया पीएफ, पीएफ बटा बी डैश एफ। ये हो गया समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो से देखा जाएगा, ये बायां पक्ष है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। हो गया बी बी सी बटा बी डैश सी, बी सी बटा बी डैश सी बराबर हो गया बी एफ बटा बी डैश एफ। अब ध्यान दीजिए बी सी, ये है बी सी, बी सी को हम लिख सकते हैं पी एफ पी बी, पी बी ऋण पी सी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको यू वी एफ में संबंध निकालना, इसलिए लंबाई को हम यू वी एफ के रूप में लिखेंगे, पी बी कर देंगे तो जो यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पी सी, ये फोकस दूरी का दुगना हो जाएगा, टू आर एफ हो जाएगा। इसको लिखते पी सी को पी बी बी पी बी अरेन्ट पी सी। उसी तरह से बी डैश सी को, बी डैश सी को हम लिखे पी सी ऋण बी डैश पी, पी एफ को पी एफ भी रहने थे और यह हो गया बी डैश एफ हो गया बी डैश पी अरे पी एफ। अब ध्यान दें कि इसमें चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने पीपी, पीपी क्या है वस्तु की दूरी है यू है, और यह दूरी हम मुख्य अक्ष के विपरीत दिशा आपतित किरण के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए माइनस हो जाएगा ऋण यू, ऋण यू ऋण पी सी, पी सी यह भी विपरीत दिशा में आ रहा है, यह भी दूरी ऋणात्मक होगी, तो यह ऋण और यह ऋण मिलकर प्लस हो जाएगा ऋण प्लस टू एफ, क्योंकि ये पी सी क्या है फोकस दूरी का दुगना है। अब कह रहे हैं आप पी सी माइनस टू एफ, अब माइनस बी डैश पी, बी डैश पी यह क्या है प्रतिबिंब की दूरी यानी बी है, ये भी ऋणात्मक होगी ए प्लस हो जाएगा ऋण बी बराबर हो जाएगा पी एफ, पी एफ पी से जब आगे फोकस दूरी यह हो जाएगा पी एफ हो जाएगा ऋण एफ बटा बी डैश पी, बी डैश पी यह हो गया ऋण बी और ऋण पी एफ मैंने ऋण बी एफ हो जाएगा। अब तीन क्या करें तो बी को उठाएं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा यू वी, फिर माइनस प्लस का पूरा माइनस, तो ये हो जाएगा टू वी एफ, फिर एफ को उठाएं प्लस और माइनस का पूरा माइनस यू एफ, फिर प्लस प्लस का पूरा प्लस हो जाएगा प्लस टू एफ स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा ये एफ से पूरा करें, ये हो जाएगा प्लस टू एफ स्क्वायर और ये हो गया ऋण और धन का पूरा ऋण हो जाएगा ऋण ई एफ, यह कट जाएगा टू एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यह हो गया यू वी ऋण यू एफ, इसको भर ले जाए तो प्लस हो जाएगा ये माइनस से घट जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी एफ। अब यू वी एफ से दोनों पक्षों में भाग दें, भाग देते हैं ये हो गया यू वी बटा यू वी बराबर ऋण यू एफ बटा यू डी एफ।
बराबर हो गया ईएफ बटा यूडी है, यूडी से यूडी कट जाएगा, यूएफ यूएफ से यू और एफ कट जाएगा, वीएफ से एफ कट जाएगा, यहां क्या बचा एक बटा एफ, एक बटा एफ माइनस, यहां क्या बचा एक बटा ई बराबर, ये हो गया एक बटा ई यू, एक बटा बी उधर ले जाए हो जाएगा एक बटा एफ बराबर एक बटा बी प्लस एक बटा यू। प्यारे बच्चों अवतल दर्पण पर के लिए यू बी एफ में यही संबंध है। धन्यवाद।